डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, फिजिक्स में भी हम लोग प्रकाशी यंत्र को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग खगोलीय दूरदर्शक को पढ़ रहे थे, दोनों केस को कंप्लीट किए थे। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग परावर्तक दूरदर्शक के बारे में। परावर्तक दूरदर्शक के बारे में, आखिर क्या है परावर्तक दूरदर्शक? इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। आखिर क्या है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? उसके नीचे एरो देंगे, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे किसी अपवर्तक दूरदर्शक से दूर की वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसका अभिदृश्यक बड़े द्वारक का हो, जिसमें वह वस्तु से आने वाले प्रकाश को अधिक से अधिक एकत्रित कर सके इसे न्यूटन ने परावर्तक दूरदर्शक का नाम दिया। चलिए, नाम से ही पता चल रहा है भाई कि परावर्तक दूरदर्शक, यानी कि इसमें रिफ्लेक्टिंग होगा तब हम किसी दूर की वस्तु को देख पाएंगे। चलिए, इसका फिगर सबसे पहले बहुत जरूरी है परावर्तक दूरदर्शक में। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, नीचे से फिगर बनाना शुरू होता है इसमें। ये हम लोगों का लेंस है, इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। एक ट्यूब बनाया रहता है जहाँ पे हम लोग आँख को यहाँ पे रखते हैं देखने के लिए, ठीक है। अब इसका अगर बात किया जाए तो यहाँ से इस लेंस का एक प्रधान अक्ष होता है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, और इसके सामने जस्ट सामने हम लोगों का यहाँ मिरर लगाया हुआ होता है, ऐसा तिरछा मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग M2 से कहते हैं। हालांकि इसमें दो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, एक यहाँ पे दर्पण है, इसका बाहर कलई किया हुआ है, ठीक है। अब बात किया जाए तो ये जो M2 दर्पण है इससे संलग्न होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म यही है। और मान लिया जाए कि किसी वस्तु को हमको यहाँ से देखना है, तो जब किसी वस्तु को हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली मेरा आँख यहाँ पे है, ये हुआ मेरा आँख, ठीक है, ये हुआ हम लोगों का आँख, और यहाँ से हम किसी वस्तु को ना देखना चाहते हैं तो यहाँ से दो रे हमारे आँख पर पड़ती है। हालांकि मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, अब कोई वस्तु कौन सा है, तो मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु है जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट वो मिरर पे पड़ती है इसका किरणें, तो इसका मिरर पे पड़ी डायरेक्ट, और एक इसका जो सेंटर है, दो किरणें अनंत से आ रही है, दूरदर्शी है ना, यानी कि अनंत से आ रही है किरणें। अब क्या होगा कि ये वाला जो किरणें हैं ये M2 के निचले भाग पे टकराती है, ये M2 है निचले भाग पे टकराई, और ये थोड़ा सा ऊपर टकराई, यानी कि यहाँ देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ टक्कर हुआ। इसके बाद अब ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाला, अब ये पॉइंट्स लेंस से टकराता है यहाँ,
और ये वाला टकराता है यहाँ, देख रहे हैं? तो यहाँ से टकराती है और हमारे आँख पर पड़ती है, और जैसे ही हमारे आँख पर पड़ी तो यहाँ से दो किरणें ये हमारे आँख पर आई, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये मेरा प्रतिबिंब बन गया, इसको हम लोग कहते हैं ए डैश, और ये जो वस्तु है इसको ए डबल डैश बोला जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है परावर्तक दूरदर्शक, और हमारे आँख पर ये जो पड़ रहा है तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो वही फिर हम उसको देख पाएंगे। देखिए पीछे जाकर कटता है तो ऐसे कट जाता है। तो इस तरीके से ये फिगर हुआ हम लोगों का परावर्तक दूरदर्शक का, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का परावर्तक दूरदर्शक हुआ। और अगर कहीं आएगा कि परावर्तक दूरदर्शक क्या है तो इसमें हम लोग यही फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज लिख लिया जाए, बस खाली लिख लेना है कि परावर्तक दूरदर्शक का आवर्धन लिखा जाए, परावर्तक दूरदर्शक का आवर्धन, परावर्तक दूरदर्शक का आवर्धन, परावर्तक दूरदर्शक का आवर्धन एफ ओ बाई एफ ई होता है। एफ ओ माने ओ का मतलब होता है अविदृश्यक लेंस का फोकस दूरी, एफ ओ के बारे में पढ़े थे, और एफ ई का मतलब नेत्रक लेंस का फोकस दूरी। तो एफ ओ में जब एफ ई से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिलता है परावर्तक दूरदर्शक का आवर्धन, ठीक है? तो परावर्तक दूरदर्शक का आवर्धन क्या होता है, तो एफ ओ बटा में एफ ई, ठीक है? चलिए उसके बाद लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के कारण, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के कारण न्यूटन ने परावर्तक दूरदर्शक में, न्यूटन ने परावर्तक दूरदर्शक में गोलीय विपथन का दोष पाया, गोलीय विपथन का दोष पाया जिसे दूर करने के लिए, जिसे दूर करने के लिए कैसी ग्रेन का प्रयोग किया, कैसी ग्रेन का प्रयोग किया। जी हाँ, आप जैसा कि जान रहे हैं कि अभी परावर्तक दूरदर्शक को तो न्यूटन ने नाम दिया, लेकिन बाद में न्यूटन को ये पता चला कि भाई ये परावर्तक दूरदर्शक है ना, इसमें कहीं ना कहीं एक दोष पाया जाता है, उस दोष का नाम है गोलीय विपथन का दोष। ये परावर्तक दूरदर्शक में पाया जाता है। अब इसको दूर करने के लिए न्यूटन ने एक उपाय किया, तो उपाय से पता चला कि कैसी ग्रीन का अगर उपयोग करेंगे हम लोग तो ये जो गोलीय विपथन का दोष है ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक कैसी ग्रेन का इस्तेमाल किया, और इसके इस्तेमाल से वो गोलीय विपथन का दोष समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ये हम लोग को था परावर्तक दूरदर्शक, और इस परावर्तक दूरदर्शक में हम लोग कैसी ग्रेन का उपयोग क्यों करते हैं, तो गोलीय विपथन दोष से बचने के लिए, ठीक है? तो कुल मिलाकर अभी हम लोगों का जितना भी दूरदर्शक था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र में कॉर्निया कहाँ होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आयरिस क्या होता है। हालांकि टेंथ में हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, मानव नेत्र का फिगर देखेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।